हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक हाउस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शिमला मिर्च और आलू के बहुत ही यम्मी पकौड़े, जिसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम इसका बैटर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे। तो एक ही बार में पूरा पानी मत डालिए, आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए और एक लम्स पर एकदम स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लीजिए। बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसमें से 3 टेबल स्पून के करीब बच गया है। तो अब हम इसको हटा देंगे और बैटर को हम ढक के एक साइड रख देंगे। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमें शिमला मिर्च को काटना है। तो उसके लिए आप ऐसे थोड़े पतले शिमला मिर्च लीजिए, मतलब बहुत मोटे और चौड़े ना हो। तो और इसको हम ऐसे इसके साइड्स को काट के निकाल देंगे और 1-1 इंच के टुकड़ों में हम इसको इसी तरीके से काट लेंगे। इसके बाद हम इसके बीच से बीज को भी रिमूव कर देंगे और इसी तरीके से बाकी के भी जितने भी शिमला मिर्च हैं उनको काट लेंगे। और ये जो बचे हुए शिमला मिर्च के पार्ट्स हैं, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम सब्ज़ी बनाने में यूज़ कर लेंगे। और आगे के प्रोसेस में अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून तेल गरम किया है। उस तेल में हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और जीरा के चटक जाने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून कूटी हुई लहसुन और 1 मिर्ची डाल देंगे और इसको हम अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 टेबल स्पून के करीब कूटी हुई मूँगफली और उसको भी हल्का सा इसमें भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 4 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू डाल देंगे और इसको अच्छे से मैश करते हुए पूरे मसाले में इसको मिक्स कर देंगे। हम पूरे टाइम गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे और इसमें हमने भुनी हुई मूंगफली का यूज़ किया था। आप चाहे तो कच्ची मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको और थोड़ी देर आप तेल में अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे खूब सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसको एक साइड रख देंगे और अब हम शिमला मिर्च का 1-1 टुकड़ा लेंगे और उसमें हम आलू की स्टफिंग कर देंगे। इसी तरीके से शिमला मिर्च का 1-1 टुकड़ा लेंगे और उसमें अच्छे से आलू स्टफ कर देंगे। तो ये हमने सारे शिमला मिर्च के टुकड़ों में आलू को स्टफ़ कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बैटर लेंगे और इस तरीके से हम इसमें इसको डिप कर देंगे और इसके बाद हम इसको ऐसे उठा के और गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। तो आप हाथों से या फिर किसी फोर्क की हेल्प से डालिए, जिससे जलने का चांस नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से आप फोर्क से उठा के इसको डाल दीजिए और इसके ऊपर हम ऐसे तेल उछालेंगे, जिससे कि जो ऊपर गीला वाला बेसन है वो अच्छे से सूख जाए और जब हम पलटें तो ये फैले ना।
थोड़ी देर पक जाने के बाद हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है तो हम इसे निकाल देंगे और बाकी के भी जितने भी पकौड़े हैं सेम इसी प्रोसेस से उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और अब इन्हें हम गर्मा गर्म हरी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।